Assalamu alaikum. Dear students, let's start with the side 3 diuretics. Side 3 diuretics, 4 diuretics hain, chunki side 3 pe act karte hain. That's why they are known as side 3 diuretics. Jisme humare paas hain thiazide and thiazide like diuretics. Side 3, as you know, ki side 3 humare paas kya hai? Distal convoluted tubule. इससे पहले हमने देखे थे वो डायबिटिक्स जो कि साइट वन पे एक्ट करते हैं. साइट वन में हमारे पास थी द कॉन्वोलेटेड एंड स्ट्रेट सेगमेंट ऑफ प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल. और यहाँ पे हम देखेंगे साइट थ्री डायबिटिक्स विच आर थायजाइड एंड थायजाइड लाइक डायूरेटिक्स विच एक्ट ऑन द डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल. दे बेसिकली इनहिबिट द रीअब्सॉर्प्शन एट द डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल ऑफ द नेफ्रॉन. अच्छा जी, यहाँ पे जो पेरेंट ड्रग है हमारे पास वह है क्लोर अमीनोफिनामाइड, जो कि हमारे पास क्या है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर, जो कि हमारे पास सेकेंड ग्रुप ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर था, जो कि था मेटा डाइसल्फामोइल बेंजीन. अच्छा जी, जब हम क्लोर अमीनोफिनामाइड को ट्रीट करेंगे विद द एसिटाइलेटिंग एजेंट तो क्या होगा, साइक्लाइजेशन होगी और साइक्लाइजेशन होने के बाद हमारे पास क्या बनेंगे, थायजाइड. ठीक है, और अगर हम इसी क्लोर अमीनोफिनामाइड को एसिटाइलेटिंग रिएजेंट के बजाय एल्डिहाइड और कीटोन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास क्या बनेंगे, डाईहाइड्रो डेरिवेटिव, जो कि कहलाएंगे हाइड्रोथायजाइड. दो तरह के थायजाइड हैं, एक थायजाइड है और एक हाइड्रोथायजाइड. थायजाइड कब बनेंगे, जब क्लोर अमीनोफिनामाइड को हम रिएक्ट करवाएंगे किसके साथ, एसिटाइलेटिंग रिएजेंट के साथ. और ये जो एसिटाइलेटिंग रिएजेंट है ये क्या करेगा, ये साइक्लाइजेशन करवाएगा. और साइक्लाइजेशन होने के बाद आपके पास क्या बनेंगे, साइक्लाइजेशन होने के बाद आपके पास बनेंगे थायजाइड डेरिवेटिव. और जब आप एल्डिहाइड और कीटोन को रिएक्ट करवाएंगे विद द क्लोर अमीनोफिनामाइड तो आपके पास बनेंगे हाइड्रोथायजाइड. हाइड्रोथायजाइड्स जो है दे आर बेसिकली सैचुरेटेड थायजाइड. और जो थायजाइड है उसमें आपके पास अनसेचुरेशन, अनसेचुरेशन मीन कि उसके पास उसमें डबल बॉन्ड है. और हाइड्रोथायजाइड मीन्स कि उसमें क्या है, सेचुरेशन है, इसमें सिंगल बॉन्ड है. अच्छा जी, इफ यू टॉक अबाउट द SAR एट सेकेंड पोजिशन स्मॉल अल्काइल ग्रुप कैन बी प्रेजेंट लाइक मिथाइल. जब आप इसकी स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ये आपको मजीद क्लियर होगा इसका SAR. सेकेंड पोजिशन पे जो है वो आप स्मॉल अल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, लाइक आपके पास मिथाइल ग्रुप है, लेकिन आप लार्जर अल्काइल ग्रुप को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं सेकेंड पोजिशन पे. अच्छा जी, थर्ड पोजिशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर द मॉलिक्यूलर मॉडिफिकेशन. व्हाई थर्ड पोजिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्चुअली सब्स्टिट्यूएंट एट थर्ड पोजिशन इज इंपॉर्टेंट टू डिटरमिन द पोटेंसी एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ थायजाइड. दैट्स व्हाई हमारे पास जो थर्ड पोजिशन है वो मोर इंपॉर्टेंट है. थर्ड पोजीशन पे जो सब्स्टिट्यूएंट है वो डिटरमिन करेगा पोटेंसी को, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को. अच्छा, अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो कि प्रेजेंट है थायजाइड में बिटवीन द थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन, ये जो अगर आप ये जो डबल बॉन्ड है इसको ब्रेक करते हैं, या लॉस ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन ऑफ थायजाइड बेसिकली इंक्रीजेज द पोटेंसी अबाउट 3 to 10 fold. मीन्स के जो हाइड्रोथायजाइड है जिनमें डबल बॉन्ड नहीं है उनकी पोटेंसी क्या होगी, वो इंक्रीज होगी एज कम्पेयर टू द थायजाइड डेरिवेटिव. क्योंकि थायजाइड में क्या है आपके पास, थायजाइड डायग्रेटिक में आपके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और हाइड्रोथायजाइड में आपके पास क्या है, सिंगल बॉन्ड है. अच्छा जी, पोटेंसी ऑफ थायजाइड इज अराउंड 500 से 2000 मिलीग्राम, वाइल हाइड्रोथायजाइड की जो पोटेंसी है वो कितनी है, 250 से 500 मिलीग्राम, बिकॉज ऑफ सिंगल बॉन्ड और सेचुरेशन. एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो सिंगल बॉन्ड है उसकी पोटेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी जो कि सेचुरेटेड है, और जो अनसेचुरेटेड है उसकी पोटेंसी कम होगी. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो थायजाइड है उनकी पोटेंसी क्या है, उनकी पोटेंसी है 500 से 2000 मिलीग्राम, जबकि हाइड्रोथायजाइड की कितनी है, 250 से 500 मिलीग्राम. अच्छा जी, उसके बाद आप देखें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन ऑफ 4, 5 और 8 पोजीशन विद एन अल्काइल ग्रुप रिजल्ट इन डिमिनिश डायूरेटिक एक्टिविटी. अगर आप कोई भी सब्स्टिट्यूशन करेंगे 4, 5 और 8 पोजीशन पे विद एन अल्काइल ग्रुप तो आपके पास क्या होगा, एक्टिविटी, डायूरेटिक एक्टिविटी लॉस हो जाएगी. ठीक है, सो यू कांट सब्स्टिट्यूट द पोजीशन नंबर 4, 5 और 8. अच्छा जी, सब्स्टिट्यूशन ऑन 6 पोजीशन बाय एक्टिवेटिंग ग्रुप लाइक क्लोरो ग्रुप, ब्रोमो ग्रुप,
ट्राईफ्लोरोमिथाइल ग्रुप एंड नाइट्रो ग्रुप इज इसेंशियल फॉर एक्टिविटी। जो सिक्स पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन होनी चाहिए वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इंक्लूडिंग क्लोरो ब्रोमो नाइट्रो के थ्रू होनी चाहिए। अदरवाइज क्या होगा कि आपके पास एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। अच्छा जी, द सल्फामोइल ग्रुप एट पोजीशन नंबर 7 इज प्री रिक्विजिट फॉर डायग्रेटिक एक्टिविटी। जो सल्फामोइल ग्रुप पोजीशन नंबर 7 पर अटैच है वो प्री रिक्विजिट है फॉर डायग्रेटिक एक्टिविटी। ये जो पोजीशन नंबर 7 है इस पे हमेशा क्या प्रेजेंट होना चाहिए, सल्फामोइल ग्रुप दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर डायग्रेटिक एक्टिविटी। अच्छा जी, थायजाइड डायुरेटिक हमारे पास थायजाइड लाइक डायुरेटिक इंक्लूड क्विन इथाजोन मेटालोजोन मेफ्रोसाइड क्लोपामाइड बट दे आर नॉट क्या कहना चाहिए कि ये पहले जो थे ये थायजाइड डायुरेटिक्स में इंक्लूडेड थे लेकिन एक्चुअली दे आर नॉट दी थायजाइड डायुरेटिक बट दे बिहेव एज थायजाइड डायुरेटिक दैट्स वाई दे आर इंक्लूडेड इन थायजाइड लाइक डायुरेटिक। क्यों? क्योंकि इनकी साइट ऑफ एक्शन एफिकेसी इलेक्ट्रोलाइट पैटर्न एंड एडवर्स इफेक्ट जो है वो रिजेंबल करता है थायजाइड डायुरेटिक से, दैट्स वाई दे कैन बी कॉल्ड एज थायजाइड लाइक डायुरेटिक। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास फॉर सेचुरेशन इन हाइड्रोथायजाइड जो डबल बॉन्ड है पोजिशन नंबर 3 एंड 4 के बिटवीन। हाइड्रोथायजाइड में क्या है कि इसके बिटवीन सिंगल बॉन्ड है दैट्स क्रिएट दी सेचुरेशन इन दी स्ट्रक्चर। अच्छा, केमिकल नेचर ऑफ द मॉइटी अटैच टू द थर्ड पोजीशन ऑफ थायजाइड न्यूक्लियस मॉड्यूलेट द लिपोफिलिसिटी ऑफ डायुरेटिक। जो थर्ड पोजीशन पे आपके पास मॉइटी अटैच है ये बेसिकली आपको बताता है लिपोफिलिसिटी ऑफ डायुरेटिक को। ठीक है, जो भी यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे आपके पास थायजाइड या हाइड्रोथायजाइड में आपके पास जो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है ये बेसिकली लिपोफिलिसिटी ऑफ डायुरेटिक को क्या करेगा, डिटरमिन करेगा डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट व्हिच इज अटैच्ड ऑन द थर्ड पोजीशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं थायजाइड में थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन पे क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है जिसकी वजह से ये अनसेचुरेशन क्रिएट कर रहा है थायजाइड डायुरेटिक्स में। अच्छा जी, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू इनहिबिट कार्बोनिक एनहाइड्रेस अलॉन्ग विद द सोडियम क्लोराइड सिंपोर्टर। ये जो थर्ड साइड थ्री डायुरेटिक्स हैं ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस को इनहिबिट करेंगे प्लस ये क्या करेंगे सोडियम क्लोराइड चैनल को ब्लॉक करेंगे और इस तरीके से ये क्या करेंगे इनहिबिट करेंगे रीअब्सॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स को। अच्छा जी, उसके बाद इसका एडवर्स इफेक्ट क्या है, इट इंक्लूड हाइपोकैलीमिया एंड हाइपरकैल्सीमिया। क्या करेंगे कि ये कैल्शियम के लेवल को बढ़ा देंगे और पोटाशियम के लेवल को इनसाइड द बॉडी रिड्यूस करेंगे, ये इनका मेजर एडवर्स इफेक्ट है। अच्छा जी, थायजाइड एंड थायजाइड लाइक डायुरेटिक्स आर यूज्ड इन द एडिमा कंडीशन एसोसिएटेड विद माइल्ड टू मॉडरेट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर सिरोसिस ऑफ लीवर एंड नेफ्रोटिक सिंड्रोम। इन तीन कंडीशंस में ये जो कंडीशंस हैं एडिमा की कंडीशन जो कि एसोसिएट होती है इन डिजीज के साथ इसमें आप यूज करते हैं थायराइड एंड थायराइड लाइक डायुरेटिक। अच्छा जी, यहाँ पे आपके पास दिया गया है जनरल स्ट्रक्चर ऑफ थायराइड। यहाँ पे आप देखें हमारे पास एक एरोमेटिक रिंग है और एक हमारे पास जो हेक्सासाइक्लिक रिंग है जिसमें हमारे पास टू नाइट्रोजन प्रेजेंट है मेटा पोजिशन पे और ये नाइट्रोजन जो है ये सल्फर डाइऑक्साइड के साथ क्या है ऑर्थो पोजीशन पे अटैच्ड है। ठीक है, यहाँ से हमारे पास 1 2 3 4 और जहाँ पे भी वैलेंसी कंप्लीट होती है तो हम उस पोजीशन को नंबर नहीं देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 फर्स्ट पोजीशन पे आपके पास है सल्फर डाइऑक्साइड, सेकंड पोजीशन पे है आपके पास नाइट्रोजन, थर्ड पोजीशन पे आपके पास जो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होगा वो बेसिकली आपको बताता है कि आपके पास जो लिपोफिलिक नेचर ऑफ थायजाइड को बताएगा और थर्ड और फोर्थ पोजीशन के दरम्यान में क्या है डबल बॉन्ड और सिक्स पोजीशन पे क्या है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए अदरवाइज आपके पास एक्टिविटी लॉस हो जाएगी। और जो सेवन पोजीशन है उस पर हमेशा क्या प्रेजेंट होना चाहिए सल्फामोइल ग्रुप SO2NH2। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखें आप R1 और R2 क्या है, हमारे पास दो तरह के थायजाइड डायुरेटिक हमने यहाँ पे दो डेरिवेटिव दिए हैं थायजाइड डायुरेटिक के जिसमें क्लोरोथायजाइड और बेंजथायजाइड।
क्लोरोथाइजाइड में हमारे पास क्या है, R1 और R2 दोनों पे हमारे पास क्या है, H प्रेजेंट है, और R3 पे हमारे पास क्या है, क्लोरो ग्रुप अटैच है, ठीक है, और दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज क्लोरोथाइजाइड। अच्छा, व्हाई इट्स कॉल्ड एज बेंजथाइजाइड, क्योंकि इसमें हमारे पास जो R1 पोजीशन है, जो कि हमारे पास थर्ड पोजीशन है, यहाँ पे क्या अटैच है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास अटैच है ये जो है, ये बेसिकली सल्फर कंटेनिंग बेंजीन रिंग है, दैट्स द बेंजाइल सल्फोनाइल मिथाइल ग्रुप, ठीक है, बेंजाइल सल्फोनाइल मिथाइल ग्रुप, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये ग्रुप अटैच है किस पोजीशन पे, R1 पे, थर्ड पोजीशन पे, और दिस इज मोर लिपोफिलिक, जिसकी वजह क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या अटैच है, बेंजाइल सल्फोनाइल मिथाइल ग्रुप, ठीक है, बेंजाइल सल्फोमाइल सल्फोनाइल इथाइल मिथाइल ग्रुप, सॉरी दैट्स दी C6H5 बेंजाइल सल्फोनाइल देन मिथाइल ग्रुप, जो कि अटैच है किस पे, थर्ड पोजीशन पे अटैच है, जो कि है आपके पास R1, और R3 पे यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, क्लोरो ग्रुप, और R2 पे हमारे पास प्रेजेंट है क्या, H ग्रुप, ठीक है, ये हो गया आपके पास क्लोरोथाइजाइड और बेंजथाइजाइड। देन वी हैव यहाँ पे हमने जो है जनरल जो हम SAR बात कर रहे थे, हमने इसको जो है वो इसकी जो डायग्राम्स हैं वो दी हैं, स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं इस स्लाइड में, ये हमारे पास है क्लोरामिनोफिनामाइड, जो कि हमारे पास क्या है, मेटा डाइसल्फोनाइल बेंजीन, जो कि है सेकंड ग्रुप किसका, कार्बोनिक एनहाइड्रेज का, ठीक है, ये पेरेंट या लीड मॉलिक्यूल है फॉर दी सिंथेसिस या डेवलपमेंट ऑफ थायजाइड एंड हाइड्रोथायजाइड। एज यू कैन सी कि अगर आप क्लोरामिनोफिनामाइड को एसिटाइलेटिंग ऐसी टाइलेटिंग मिक्सचर के साथ या एसिटाइलेटिंग एजेंट के साथ आप इसको रिएक्ट कराएंगे, तो क्या होगा कि जो एसिटाइलेटिंग एजेंट है वो इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, थायजाइड डायुरेटिक में, ठीक है, साइक्लाइजेशन होगी, और साइक्लाइजेशन होने के बाद यहाँ पे क्या बनेंगे, थायजाइड बाय रिएक्टिंग विद एसाइलेटिंग रिएजेंट, रिएक्ट कौन करेगा, क्लोरामिनोफिनामाइड विद एसाइलेटिंग रिएजेंट, ये जो एसाइलेटिंग एजेंट है जब रिएक्ट करेगा क्लोरामिनोफिनामाइड के साथ, तो आपके पास बनेंगे थायजाइड डायुरेटिक। एज यू कैन सी यहाँ पे थर्ड और फोर्थ पोजिशन के दरमियान में क्या है, डबल बॉन्ड है, ठीक है, और इसमें अनसेचुरेशन है, अनसेचुरेशन क्यों है, इस डबल बॉन्ड की वजह से अनसेचुरेशन है। यहाँ पे अगर क्लोरामिनोफिनामाइड इंस्टेड ऑफ एसाइलेटिंग एजेंट रिएक्ट करता है एल्डिहाइड और कीटोन के साथ, तो आपके पास क्या बनेंगे, हाइड्रोथायजाइड, कब बनेंगे, जब क्लोरामिनोफिनामाइड रिएक्ट करेगा किसके साथ, एल्डिहाइड और कीटोन के साथ, इंस्टेड ऑफ एसाइलेटिंग एजेंट, ठीक है, यहाँ पे यू कैन सी हाइड्रोथायजाइड, हाइड्रोथायजाइड में यहाँ पे कोई भी अनसेचुरेशन नहीं है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट जो अटैच हो सकता है वो इस पोजीशन पे अटैच हो सकता है, और यहाँ पे आपके पास एक एच है, और एक एच जो है उसको आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, और यहाँ पे एन के साथ एच है, सिक्स पोजीशन पे आपके पास क्लोरो ग्रुप है, और सेवन पोजीशन पे आपके पास सल्फामोइल ग्रुप है, दैट इज SO2NH2। अच्छा जी, नेक्स्ट वी हैव साइड टू डायुरेटिक्स और हाई सीलिंग और लूप डायुरेटिक्स। लूप डायुरेटिक्स आर बेसिकली एज द नेम इंडिकेट कि वो डायुरेटिक्स जो के असेंडिंग थिक असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ एलए पे एक्ट करते हैं, दे आर नोन एज लूप डायुरेटिक्स। साइड टू डायुरेटिक क्यों कहा गया है, क्योंकि हमारे पास जो साइड टू थी वो क्या थी, हमारे पास थिक असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ एलए, ठीक है, इनकी जो मेन साइट ऑफ एक्शन है वो है थिक असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ एनले, दे बेसिकली इनहिबिट दी सोडियम पोटाशियम टू क्लोराइड, यहाँ पे आएगा टू क्लोराइड्स इम्पोर्टर, ठीक है, मैंने आपको बताया था एक सोडियम एक पोटाशियम और टू क्लोराइड जो है यहाँ पे एक्सचेंज जो सिस्टम है उसमें एक सोडियम इन्वॉल्व है, एक पोटाशियम इन्वॉल्व है, और टू क्लोराइड आयन जो है वो इन्वॉल्व है फॉर दी रीअब्जॉर्प्शन ऑफ दी सोडियम, और इस साइट पे कितने परसेंट रीअब्जॉर्प्शन होती है सोडियम की, 20 से 25%, ठीक है। अच्छा, दे आर करेक्टराइज बाय क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन एंड शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन,
ये जो लूप डायोटिक्स हैं इनकी एक प्रॉपर्टी ये है कि दे हैव क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन और उनका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो शॉर्ट है। ठीक है। अच्छा जी, लूप डायोटिक्स में इंक्लूड है हमारे पास 5-सल्फामोल, 2-अमीनोबेंजोइक एसिड, 5-सल्फामोल, 3-अमीनोबेंजोइक एसिड, 4-अमीनो-3-पायरिडीन, सल्फामोल यूरिया एंड ऑर्गेनो मर्क्यूरियल्स। ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले अगर आप देखते हैं, हम 5-सल्फामोल 2-अमीनोबेंजोइक एसिड एंड 5-सल्फामोल 3-अमीनोबेंजोइक एसिड, दे आर बेसिकली जो मेन न्यूक्लियस है वो हमारे पास बेंजोइक एसिड है। ठीक है। और चेंजेस क्या हैं? चेंज है हमारे पास अमीनो ग्रुप की पोजीशन का। यहाँ पे हमारे पास होगी जो 5-सल्फामोल 2-अमीनोबेंजोइक एसिड है, यहाँ पे जो अमीनो ग्रुप होगा वो अटैच होगा किस पे, 2 पोजीशन पे या सेकंड पोजीशन पे, और यहाँ पे अमीनो ग्रुप जो अटैच होगा वो हमारे पास 3rd पोजीशन पे जो है वो अटैच होगा। ये हमारे पास मेजर डिफरेंस होगा इसके स्ट्रक्चर में। अच्छा जी, इफ यू टॉक अबाउट द एसएआर ऑफ 5-सल्फामोल 2-अमीनोबेंजोइक एसिड एंड 5-सल्फामोल 3-अमीनोबेंजोइक एसिड, मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट आर सेम इन बोथ द ग्रुप्स, बट सम जो है वो कुछ हमारे पास चेंजेस जो है वो होंगे स्ट्रक्चर में। अच्छा, अगर हम बात करें 5-सल्फामोल 2-अमीनोबेंजोइक एसिड की, तो दे आर बेसिकली द डेरिवेटिव ऑफ एंथ्रानिलिक एसिड। अच्छा जी, इन 5-सल्फामोल 2-अमीनोबेंजोइक एसिड एंड 5-सल्फामोल 3-अमीनोबेंजोइक एसिड, सब्स्टिट्यूएंट एट पोजीशन 1 मस्ट बी एसिडिक। जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच है पोजीशन नंबर 1 पे, दैट मस्ट बी एसिडिक इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस दी लूप डायुरेटिक एक्टिविटी। अच्छा, कार्बोक्सिल ग्रुप प्रोवाइड्स ऑप्टिमल डायुरेटिक एक्टिविटी, बट अदर ग्रुप्स लाइक टेट्राजोल प्रोवाइड रिस्पेक्टिव डायुरेटिक एक्टिविटी। हमारे पास जो है इसमें जो है वो कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है जो कि ऑप्टिमल डायुरेटिक एक्टिविटी देता है, बट कुछ अदर ग्रुप भी प्रेजेंट हो सकते हैं जो कि रिस्पेक्टिव डायुरेटिक एक्टिविटी देते हैं। लाइक हमारे पास टेट्राजोल रिंग भी प्रेजेंट हो सकता है कार्बोक्सिल ग्रुप की जगह पे। ठीक है। अच्छा, 5-सल्फामोल ग्रुप इज प्रीरिक्विजिट फॉर ऑप्टिमल हाई सीलिंग डायुरेटिक एक्टिविटी। जो 5th पोजीशन है उस पे जो सल्फामोल ग्रुप प्रेजेंट है, दैट मस्ट बी प्रेजेंट एट द 5th पोजीशन इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस ऑप्टिमल लूप डायुरेटिक एक्टिविटी। अच्छा, और जो एक्टिवेटिंग ग्रुप है आपके पास 4th पोजीशन पे, दैट मस्ट बी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग, लाइक क्लोरो और ट्राई फ्लोरोमिथाइल ग्रुप। ठीक है। इसके अलावा अगर एक्टिवेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा तो हमारे पास जो एक्टिविटी होगी वो लॉस हो जाएगी। ठीक है। अच्छा जी, दे आर लाइक थायजाइड। ये थायजाइड की तरह के हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है कि हमारे पास जो सल्फामोइल ग्रुप है वहां पे सल्फामोइल ग्रुप प्रेजेंट था, यहाँ पे वो जो सल्फामोइल ग्रुप है दैट इज रिप्लेस्ड बाय फ्री कार्बोक्सैलिक ग्रुप। और फ्री कार्बोक्सैलिक ग्रुप जो कि प्रेजेंट है, इसकी वजह से क्या है कि ये ड्रग्स जो हैं वो मोर एसिडिक हैं एज कम्पेयर टू दी थायजाइड, क्योंकि थायजाइड में क्या प्रेजेंट है, सल्फामोइल ग्रुप, और यहाँ पे सल्फामोइल ग्रुप की जगह क्या प्रेजेंट है, कार्बोक्सैलिक ग्रुप, और इस कार्बोक्सैलिक ग्रुप की वजह से दे आर मोर एसिडिक एज कम्पेयर टू दी थायजाइड डायूरेटिक। अच्छा, ये जो कार्बोक्सैलिक ग्रुप है दैट कैन बी रिप्लेस बाय सम हेट्रोसाइक्लिक स्ट्रक्चर लाइक टेट्राजोल। इन केस ऑफ एजोसिमाइड आपके पास क्या प्रेजेंट है, हेट्रोसाइक्लिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इंस्टेड ऑफ कार्बोक्सैलिक ग्रुप लाइक इन एजोसिमाइड। अच्छा जी, नेक्स्ट वी हैव मेजर डिफरेंस जो इन दोनों ग्रुप्स में प्रेजेंट है, 5-सल्फामोल 2-अमीनोबेंजोइक एसिड एंड 3-अमीनोबेंजोइक एसिड, इज द प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप दैट कैन बी सब्स्टिट्यूट एट 2nd और 3rd पोजीशन विद द रिटेंशन ऑफ मैक्सिमल डायुरेटिक एक्टिविटी। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू के 2-अमीनोबेंजोइक एसिड और 3-अमीनोबेंजोइक एसिड में डिफरेंस है किसका, सिर्फ अमीनो ग्रुप की पोजीशन का। ठीक है। 2-अमीनोबेंजोइक एसिड में अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है 2 पोजीशन पे, और 3-अमीनोबेंजोइक एसिड पे जो अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है वो है 3rd पोजीशन पे। ठीक है। अच्छा जी, लिमिटेड नंबर ऑफ डेरिवेटिव आर अलाउड टू प्रोड्यूस बाय सब्स्टिट्यूशन ऑन 2-अमीनो ग्रुप विद मैक्सिमल डायुरेटिक एक्टिविटी। जो हमारे पास 5-सल्फामोल 2-अमीनोबेंजोइक एसिड है उनमें लिमिटेड नंबर ऑफ डेरिवेटिव्स आप प्रोड्यूस कर सकते हैं विद मैक्सिमल डायोटिक एक्टिविटी। अब वो कौन कौन से जो है डेरिवेटिव हम प्रोड्यूस तो कर सकते हैं, लेकिन कब, जब हमारे पास 2-अमीनो ग्रुप पे कुछ और
टू अमीनों के अलावा और भी कुछ प्रेजेंट हो सकता है, लाइक फ्यूराइल, बेंजाइल, थायनाइल, मिथाइल. अगर ये सब दैट कैन बी प्रेजेंट एज अ सब्स्टिट्यूएंट ऑन टू अमीनो ग्रुप, तो आप डिफरेंट डायुरेटिक्स विद मैक्सिमल एक्टिविटी बना सकते हैं. बट क्या होगा कि आप सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ डेरिवेटिव जो है आर अलाउड टू प्रोड्यूस बाय सब्स्टिट्यूशन ऑन टू अमीनो ग्रुप. वो कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट हैं जो कि प्रेजेंट हो सकते हैं टू अमीनो ग्रुप पे, दैट आर फ्यूराइल, बेंजाइल, थाइनाइल, मिथाइल विद मैक्सिमल डायुरेटिक एक्टिविटी. ठीक है. अच्छा जी, 5-सल्फामोल 3-अमीनो बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव्स आर मोर पोटेंट देन 2-अमीनो बेंजोइक एसिड. दे आर 40 टाइम्स मोर पोटेंट एज कम्पेयर टू दी फ्यूरोसिमाइड. फ्यूरोसिमाइड इज बेसिकली 2-अमीनो बेंजोइक एसिड. तो जो हमारे पास 5-सल्फामोल 3-अमीनो बेंजोइक एसिड्स हैं, दे आर मोर पोटेंट एज कम्पेयर टू दी 2-अमीनो बेंजोइक एसिड. अच्छा जी, अगर 1 मिलीग्राम लेंगे आप 5-सल्फामोल 3-अमीनो बेंजोइक एसिड का, तो वो इक्वल होगा 40 मिलीग्राम ऑफ फ्यूरोसिमाइड. ठीक है. क्यों? क्योंकि एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि 5-सल्फामोल 3-अमीनो बेंजोइक एसिड आर 40 टाइम्स मोर पोटेंट एज कम्पेयर टू दी 2-अमीनो बेंजोइक एसिड. अच्छा, बट आपके पास जो फ्यूरोसिमाइड है जो कि 5-सल्फामोल 2-अमीनो बेंजोइक एसिड है, दे आर स्टिल इन यूज. क्यों? बिकॉज ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन. जो फ्यूरोसिमाइड है उसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो अराउंड 4 to 8 आर है. और ब्यूमिटेनाइड इज बेसिकली दी 5-सल्फामोल 3-अमीनो बेंजोइक एसिड, वाइल फ्यूरोसिमाइड इज द मेंबर ऑफ 5-सल्फामोल 2-अमीनो बेंजोइक एसिड. अच्छा, ब्यूमिटेनाइड का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो एज कम्पेयर टू फिरोसिमाइड कम है, बट दे बोथ हैव क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन. इन दोनों का जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है वो है अराउंड 30 to 60 मिनट. यहाँ पे टाइपिंग एरर है, दैट्स 30 to 60 मिनट, नॉट 3 to 6 मिनट. तो प्लीज करेक्शन कर लीजिए कि यहाँ पे जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है वो है 30 to 60 मिनट. अच्छा जी, अमीनो ग्रुप कैन बी सब्सटीट्यूटेड बाय नंबर ऑफ फंक्शनैलिटी इन केस ऑफ 3-अमीनो बेंजोइक एसिड. जो 3-अमीनो बेंजोइक एसिड है उसको आप जो अमीनो ग्रुप है उसको आप सब्सटीट्यूट कर सकते हैं बाय अल्काइल ग्रुप. अच्छा जी, इसके अलावा जो सब्सटीट्यूशन है फोर्थ पोजीशन पे, दैट इज यूनिक, नॉट प्रेजेंट इन एनी स्ट्रक्चर. जो फोर्थ पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन है 5-सल्फामोल 3-अमीनो बेंजोइक एसिड में, दैट इज यूनिक. क्यों? क्योंकि वो किसी और स्ट्रक्चर में प्रेजेंट नहीं है. और यहाँ पे जो फोर्थ पोजीशन पे प्रेजेंट है वो है फिनॉक्सी ग्रुप. और कोई भी इलेक्ट्रॉन विद जो फिनॉक्सी ग्रुप के अलावा कोई भी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग मॉइटी प्रेजेंट हो सकती है, बट दैट शुड बी द इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग मॉइटी इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द मैक्सिमल एक्टिविटी फॉर 5-सल्फामोल 3-अमीनो बेंजोइक एसिड. और इन थायजाइड डायुरेटिक, इफ दीज साइक्लिक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इन स्टेट ऑफ नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप एक्टिविटीज डिक्रीज. अगर थायजाइड डायुरेटिक में ये साइक्लिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो इंस्टेड ऑफ नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, तो वहां पे क्या होगा, एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी. लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास साइक्लिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द मैक्सिमल एक्टिविटी, जो कि हमारे पास क्या था, फिनॉक्सी ग्रुप. यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग मॉइटी होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, साइक्लिक. और थायजाइड डायुरेटिक में कौन सी प्रेजेंट है, नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, जो कि क्लोरो है, ब्रोमो है और ट्राइफ्लोरोमिथाइल है. ठीक है, यहाँ पे कौन कौन सी साइक्लिक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग मॉइटी प्रेजेंट हो सकती है, दैट मे बी एल्कोक्सी, फिनॉक्सी, बेंजाइल, बेंजोइल, एनिलीनो, पाइपरिडीन मे बी प्रेजेंट. अच्छा जी, सल्फामोइल ग्रुप जो कि प्रेजेंट है, दैट मस्ट बी अनसब्स्टिट्यूटेड. सल्फामोइल ग्रुप को कैसा होना चाहिए, अनसब्स्टिट्यूटेड होना चाहिए. बिकॉज ऑफ फ्री कार्बोक्सिल ग्रुप, फिरोसिमाइड एंड ब्यूमिटेनाइड आर मोर एसिडिक देन थायजाइड डायुरेटिक. क्योंकि यहाँ पे फ्री कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है फिरोसिमाइड में और ब्यूमिटेनाइड में, तो आपके पास जो ब्यूमिटेनाइड है और जो फिरोसिमाइड है, दे आर मोर एसिडिक एज कम्पेयर टू दी थायजाइड डायुरेटिक. अच्छा, यहाँ पे मैंने 5-सल्फामोल 2-अमीनो बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर दिया, जनरल स्ट्रक्चर. यहाँ पे आप देखें नंबरिंग होगी, यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6. फर्स्ट पोजीशन पे क्या है आपके पास, के कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो भी सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होगा दैट मस्ट बी एसिडिक. ठीक है.
इन केस ऑफ ये हमारे पास फिरोसेमाइड का स्ट्रक्चर है, ये एजोसेमाइड का स्ट्रक्चर है। फिरोसेमाइड में आप देखें फर्स्ट पोजीशन पे क्या अटैच है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और एजोसेमाइड में एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि यहाँ पे आपके पास कोई भी हिट्रोसाइक्लिक रिंग भी प्रेजेंट हो सकता है, लाइक आपके पास यहाँ पे टेट्राजोल रिंग प्रेजेंट है इसमें एजोसिमाइड में, लेकिन आपके पास यहाँ पे फ्री कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है फिरोसिमाइड में, तो ये मोर एसिडिक है। अच्छा, जो सेकंड पोजीशन पे अमीनो ग्रुप है दैट कैन बी सब्स्टिट्यूटेड बाय साइक्लिक स्ट्रक्चर। कौन कौन से साइक्लिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो सकते हैं? फिराइल ग्रुप हो सकता है, बेंजाइल हो सकता है, थाइल हो सकता है, थायोथाइल हो सकता है। यहाँ पे देखें आपके पास ये तीनों साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है ये प्रेजेंट हो सकते हैं किस पे, इस पोजीशन पे, इस आर पे। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? फ्यूरान रिंग प्रेजेंट है। ये फर्स्ट वाला रिंग जो है इन दोनों स्ट्रक्चर जो कि फिरोसेमाइड और एजोसिमाइड है इनमें प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा जी, फोर्थ पोजीशन पे आप ये देखें हमारे पास क्या प्रेजेंट है, कोई भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। यहाँ पे क्लोरो ग्रुप प्रेजेंट है और यहाँ पे क्या है, क्लोरो ग्रुप प्रेजेंट है। जबकि इन केस ऑफ 5-सल्फोमॉल-3-अमीनोबेंजोइक एसिड में क्या है, फोर्थ पोजीशन पे साइक्लिक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा जी, और फिफ्थ पोजीशन पे क्या है, सल्फा मॉयल ग्रुप है जो कि SO2NH2। यहाँ पे SO2NH2 है, यहाँ पे भी SO2NH2 है। एक्चुअली आपके पास होता एक ही स्ट्रक्चर है जो कि बेसिक स्ट्रक्चर है वो एक ही होगा, देन उसमें फर्दर मॉडिफिकेशन होती रहती है इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस डिफरेंट डेरिवेटिव्स, ठीक है। ये मेजर स्ट्रक्चर है, इसी में से फिरोसेमाइड निकला है और इसी में से क्या निकला, ड्राइव हुआ है एजोसिमाइड। 5-सल्फोमॉल-2-अमीनोबेंजोइक एसिड से ड्राइव हुए हमारे पास फिरोसेमाइड, एजोसिमाइड, ये दोनों मेंबर हैं इस ग्रुप के, ठीक है। जनरल स्ट्रक्चर सेम है, सिर्फ मॉडिफिकेशन हुई है इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द मैक्सिमल डायुरेटिक एक्टिविटी, ठीक है। अच्छा जी, ये फ्यूरान रिंग है और ये अमीनो ग्रुप है, ये हेलोजिन है, ये सल्फामॉइल ग्रुप है, ये कार्बोक्सैलिक ग्रुप है, ठीक है। नेक्स्ट वी है 5-सल्फोमॉल-3-अमीनोबेंजोइक एसिड। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो थर्ड पोजीशन है उस पे क्या प्रेजेंट है, अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है। ये जो अमीनो ग्रुप है इसको इसका एक एच रिप्लेस हो सकता है विद द अल्काइल ग्रुप। यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे आपके पास क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप की वजह से ब्यूमेटिनाइड और फिरोसिमाइड आर मोर एसिडिक देन थायसाइड। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या प्रेजेंट था, वहां पे सल्फोनाइल ग्रुप प्रेजेंट था। अच्छा जी, इसके अलावा यहाँ सल्फोनाइल ग्रुप वहां पे प्रेजेंट था। अच्छा, यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे फिफ्थ पोजीशन पे क्या अटैच है, सल्फामॉइल मॉइटी अटैच है। सल्फामॉइल मॉइटी इज बेसिकली SO2NH2 और ये प्रीरिक्विजिट है इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द मैक्सिमल डायुरेटिक एक्टिविटी। और यहाँ पे जो फोर्थ पोजीशन है इसकी जो सब्स्टिट्यूशन है वो यूनिक है। क्यों यूनिक है? क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है वो फिनॉक्सी ग्रुप है, दैट इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग। यहाँ पे साइक्लिक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट वी है 4-अमीनो-3-पाइरिडीन-सल्फामॉइल-यूरिया, दैट इज ऑल्सो कम्स अंडर द रूफ ऑफ लूप डायुरेटिक। और इसमें जो एक इसका एजेंट है जो कि मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट है वो है टॉर्सिमोइड, ठीक है। टॉर्सिमाइड इज द मेंबर ऑफ 4-अमीनो-3-पाइरिडीन-सल्फामॉइल-यूरिया। अच्छा, ये बेसिकली फिरोसिमाइड में ही मॉडिफिकेशन हुई है और आपके पास क्या स्ट्रक्चर बना है, 4-अमीनो-3-पाइरिडीन-सल्फामॉइल-यूरिया। पाइरिडीन इसलिए क्योंकि यहाँ पे पाइरिडीन रिंग प्रेजेंट है। अगर आपके पास हेक्सासाइक्लिक रिंग एरोमेटिक है विद वन नाइट्रोजन तो ये जो रिंग स्ट्रक्चर है ये कहलाएगा पाइरिडीन, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे सल्फामॉल की जगह आपके पास, क्योंकि फिरोसिमाइड में क्या है और ब्यूमेटेनाइड में क्या प्रेजेंट है, सल्फामॉल है, लेकिन यहाँ पे क्या है, सल्फामॉल यूरिया प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये सल्फामॉल यूरिया कहलाता है। अच्छा, इट बेसिकली इनिबिट सोडियम पोटाशियम 2-क्लोराइड सिंपोर्टर टू प्रोमोट द एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कैल्शियम एंड मैग्नीशियम अलोंग विद द वाटर। और इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो है अराउंड 6 आवर। और इन ऑल स्ट्रक्चर कार्बोक्सैलिक ग्रुप इज प्रेजेंट विद एरोमेटिक रिंग। जितने स्ट्रक्चर थे उसमें आपने देखा कि जो कार्बोक्सैलिक ग्रुप है वो जो एरोमेटिक रिंग है उसके साथ प्रेजेंट है, जो बेंजीन रिंग था, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हिट्रोसाइक्लिक रिंग है, जो मेन न्यूक्लियस है यहाँ पे हिट्रोसाइक्लिक है, वहाँ पे जो
मेन न्यूक्लियस था वो जस्ट दी बेंजीन रिंग था। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पायरिडीन रिंग है, ब्यूमेटिनाइड, फिरोसिमाइड, और इन सब में क्या, एजोसिमाइड, इन सब में क्या था, एक एरोमेटिक रिंग था जो कि मेजर न्यूक्लियस था। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे हमारे पास हीट्रोसाइक्लिक रिंग है जो कि है पायरिडीन, और इसके अलावा फोर पोजीशन पे क्या अटैच है, अमीनो ग्रुप, और अमीनो ग्रुप का एक एच रिप्लेस हुआ है किससे, हमारे पास एरोमेटिक स्ट्रक्चर से, ठीक है। और थर्ड पोजीशन पे हमारे पास क्या है, सल्फामोइल ग्रुप प्रेजेंट है, लेकिन ये सल्फामोइल है ये प्रेजेंट है अलोंग विद द यूरिया, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज सल्फामोइल यूरिया, और ये आपके पास क्या है, पायरिडीन रिंग है। अच्छा जी, नेक्स्ट वी हैव ऑर्गेनो मर्क्यूरियल्स। ऑर्गेनो मर्क्यूरियल्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन लूप डायूरेटिक, ठीक है। इसकी इसमें जो इथाक्रिनिक एसिड है, दैट्स द प्रोटोटिपिकल ड्रग एंड इस फिनोक्सी एसिटिक एसिड डेरिवेटिव। जो यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर दिया है इथाक्रिनिक एसिड का, ये जो है ये आपके पास प्रोटोटाइप ड्रग है जो मेजर जो इसका जो पेरेंट ड्रग है, दैट्स द इथाक्रिनिक एसिड। और ये जो इथाक्रिनिक एसिड है ये आपके पास क्या है, ये फिनोक्सी एसिटिक एसिड डेरिवेटिव है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्रोटोटिपिकल ड्रग है, और प्रोटोटिपिकल ड्रग किसकी, ऑर्गेनो मर्क्यूरियल की, और ये डेरिवेटिव है फिनोक्सी एसिटिक एसिड डेरिवेटिव। ये डेरिवेटिव है किसका, फिनोक्सी एसिटिक एसिड। यहाँ पे अगर आप देखें इसी स्ट्रक्चर में, तो ये आपके पास क्या है, ऑक्सी एसिटिक एसिड, क्योंकि ये बेंजीन यहाँ पे क्या है, ये ऑक्सी एसिटिक एसिड है, ये आपके पास बेंजीन रिंग है, इन दोनों पोजीशन पे जो कि ऑर्थो पोजीशन है इन पे क्लोरो ग्रुप अटैच है, और यहाँ पे क्या अटैच है, एक्रिलॉयल मॉइटी, ठीक है। एक्रिलॉयल मॉइटी क्या, अभी जब हम SAR देखेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। अच्छा जी, दे बेसिकली एक्ट बाय द इनहिबिशन ऑफ सल्फाइड्रिल कंटेनिंग एंजाइम इन्वॉल्व इन सेल्यूट रीएब्जॉर्प्शन। इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो थोड़ा यूनिक है, क्यों, क्योंकि जो आपके पास ट्यूबुलर सेल्स है नेफ्रॉन में, उनमें जो एंजाइम प्रेजेंट है जो कि सल्फाइड्रिल कंटेनिंग है, ये क्या करेगा, उसकी इनहिबिशन को रोकेगा। जब उसकी इनहिबिशन को रोकेगा तो क्या होगा कि सेल्यूटरी एब्जॉर्प्शन जो है वो ऑटोमेटिकली क्या होगी, इनहिबिट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो एक कमर्शियली अवेलेबल इसकी ड्रग थी इनिशियली, वो थी मेर्सेलाइल एसिड। मेर्सेलिल एसिड जो है, मेर्सेलिल एसिड को बहुत जल्दी विथड्रॉ कर लिया गया मार्केट से, क्यों, बिकॉज ऑफ सीवियर टॉक्सिसिटी। सीवियर टॉक्सिसिटी उसमें इसलिए थी क्योंकि उसमें मर्करी प्रेजेंट था, और जो मर्करी मेटल प्रेजेंट थी वो बहुत सीवियर साइड इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही थी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि उसमें भी फिनोक्सी एसिटिक एसिड प्रेजेंट था, लेकिन क्या हुआ कि ड्यू टू दी मर्करी, ड्यू टू दी हैवी मेटल टॉक्सिसिटी, उसको विथड्रॉ कर लिया गया मार्केट से, और इसी फिनोक्सी एसिटिक एसिड की बेसिस पे नॉन मर्करी बेस्ड डेरिवेटिव जो हैं वो बनाए गए, ठीक है। और जो नॉन मर्करी बेस्ड डेरिवेटिव थे उसमें जो सबसे पहला डेरिवेटिव था वो कौन सा था, वो था इथाक्रिनिक एसिड, जो कि बेस करा है किस पे, फिनोक्सी एसिटिक एसिड पे ही बेस करा है, लेकिन इसमें कोई भी मर्करी एटम प्रेजेंट नहीं है। तो क्या कर रहा है कि ये जो मर्करी बेस्ड टॉक्सिसिटी थी वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा, ठीक है, उसे प्रिवेंट कर रहा है। अच्छा जी, इफ यू टॉक अबाउट द SAR ऑफ द ऑर्गेनो मर्क्यूरियल, ऑप्टिमल डायुरेटिक एक्टिविटी इज अचीव्ड विद फिनोक्सी एसिटिक एसिड ग्रुप व्हेन ऑक्सी एसिटिक मॉइटी इज प्लेस्ड ऑन फर्स्ट पोजीशन ऑन द बेंजीन रिंग। मैक्सिमल एक्टिविटी कब प्रोड्यूस होगी, जब फिनोक्सी एसिटिक एसिड जो है वो बेंजीन रिंग की फर्स्ट पोजीशन पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। अ सल्फाइड्रिल रिएक्टिव एक्रिलाइल मॉइटी इज लोकेटेड पैरा टू द ऑक्सी एसिटिक एसिड। ये जो एक्रिलाइल मॉइटी है दैट मस्ट बी प्रेजेंट पैरा टू द ऑक्सी एसिटिक एसिड। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू के जो पैरा पोजिशन है वो ऑपोजिट पोजिशन है। इसके अगर आप ऑपोजिट पोजिशन देखेंगे वो ये वाली पोजिशन है, ठीक है। अगर ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन क्या है, ये एक दूसरे की पैरा है। फर्स्ट पोजीशन पे ऑक्सी एसिटिक एसिड मौजूद होना चाहिए इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द मैक्सिमल एक्टिविटी, और जो एक्रिलॉयल मॉइटी है वो किस पोजीशन पे होनी चाहिए, वो पैरा पोजीशन पे होनी चाहिए टू दी ऑक्सी एसिटिक एसिड, क्योंकि ये जो एक्रिलॉयल मॉइटी है दैट्स द रिएक्टिव मॉइटी जो कि रिएक्ट करेगी किसके साथ, सल्फाइड्रिल
जो एंजाइम है उसके साथ जो रिएक्ट करेगी वो ये वाली मॉइटी होगी, ठीक है, एक्रिलाइल मॉइटी। और जो मैक्सिमल क्या कहना चाहिए, जो इथाक्रिनिक एसिड की जो एक्टिविटी है वो बेसिकली इस एक्रिलाइल मॉइटी की वजह से है, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ये डायरेक्ट जाके जो है वो बाइंड होगा किसके साथ, सल्फ हाइड्रिल एंजाइम के साथ। और जो ये ऑक्सीएसिटिक एसिड है दैट मस्ट बी प्रेजेंट पैरा, ये जो एक्रिलाइल मॉइटी है और ऑक्सीएसिटिक एसिड है ये दोनों आपस में किस पोजीशन पर अटैच होंगे, पैरा पोजीशन पे। अगर ये किसी और पोजीशन पर अटैच होंगे तो एक्टिविटी प्रोड्यूस नहीं होगी, एक्टिविटी लॉस हो जाएगी। अच्छा, एक्टिवेटिंग ग्रुप लाइक क्लोरो मिथाइल ग्रुप ऑक्यूपाई इधर एट द सेकेंड एंड थर्ड पोजिशन और ओनली एट द थर्ड पोजिशन। जो एक्टिवेटिंग ग्रुप है दैट इज क्लोरो ग्रुप, दैट मस्ट बी प्रेजेंट एट सेकेंड और थर्ड पोजिशन, इसके अलावा किसी और पोजिशन पे ये ग्रुप प्रेजेंट नहीं होंगे। अगर ये ग्रुप किसी और पोजीशन पे अटैच होंगे तो क्या होगा, एक्टिविटी लॉस होगी और मैक्सिमम जो डायुरेटिक एक्टिविटी है वो प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी, किसकी, इथाक्रिनिक एसिड की। अच्छा, यहाँ पे मैंने मेर्सिलिल एसिड का स्ट्रक्चर दिया है। यहाँ पे आप देखें मर्करी प्रेजेंट था, ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप था, यहाँ पे ईथर था, यहाँ पे अमाइड था, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड था और यहाँ पे फिनोक्सी ग्रुप प्रेजेंट था, ठीक है। तो ये जो है ये इनिशियली जो फर्स्ट आपके पास ऑर्गेनो मर्क्यूरियल था वो क्या था, मर्सिलिल एसिड कमर्शियली अवेलेबल, बट इट वाज विथड्रॉन ड्यू टू दी टॉक्सिसिटी, ड्यू टू दी हैवी मेटल टॉक्सिसिटी। और वो हैवी मेटल क्या था कि आपके पास मर्क्यूरी। अब जितने भी डेरिवेटिव प्रोड्यूस किए गए वो बेस तो इसी फिनोक्सी एसिटिक एसिड पे कर रहे थे, लेकिन उनमें क्या था कि दे आर नॉन मर्क्यूरी बेस्ड, ठीक है। अच्छा जी, उसके अलावा जो अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है सेकंड 2 to 4 कार्बन एटम इन द लेंथ प्रेजेंट अल्फा टू द कार्बोनाइल ऑन द एक्रिलाइल मॉइटी। जो एक्रिलाइल मॉइटी में अल्फा पोजीशन है कार्बन की उस पे अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो सकता है जो कि 2 to 4 कार्बन का है। आपने देखा होगा कि यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास 2 कार्बन का आपके पास एक्रिलाइल मॉइटी में क्या प्रेजेंट है, अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये इस बारे में बात कर रहे हैं कि जो अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है ऑफ 2 to 4 कार्बन दैट इज कैन बी प्रेजेंट एट दी अल्फा टू दी कार्बोनाइल ऑन दी एक्रिलाइल मॉइटी। वहां पे आपने देखा कि कार्बोनाइल क्या था, सी डबल बॉन्ड ओ, उसके साथ क्या प्रेजेंट था, अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट दैट इज C2H5। अच्छा जी, हाइड्रोजन एटम ऑक्यूपाई द टर्मिनल पोजिशन ऑफ सी डबल बॉन्ड सी ऑफ एक्रिलाइल मॉइटी। जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था उसकी जो टर्मिनल पोजीशन थी उस पे क्या प्रेजेंट होना चाहिए, हाइड्रोजन। अच्छा जी, एक्रिलाइल मॉइटी मस्ट बी फ्री, एक्रिलाइल मॉइटी मस्ट बी फ्री क्यों, बिकॉज इट इज रिड्यूस्ड बाय सल्फ हाइड्रिल ग्रुप ऑफ एंजाइम प्रेजेंट इन नेफ्रोटिक ट्यूब्यूल एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी एक्टिविटी। एक्रिलाइल मॉइटी जो है उसको हमेशा फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होना चाहिए इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस दी मैक्सिमल इफेक्ट, बिकॉज कि जब ये फ्री फॉर्म में होगा तो ये क्या होगा, ये एक क्योंकि रिड्यूस होगा सल्फाइड्रिल ग्रुप जो कि एंजाइम में प्रेजेंट है उसके थ्रू, और तभी जो है ये एक्टिविटी प्रोड्यूस कर पाएगा। अगर ये फ्री फॉर्म में नहीं होगा तो ये रिड्यूस नहीं हो सकेगा, किससे, सल्फाइड्रिल ग्रुप ऑफ एंजाइम से। अच्छा, इसके अलावा इसमें कोई भी जो इथाक्रिनिक एसिड है उसमें कोई भी सल्फामोइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। रिडक्शन और इपॉक्सीडेशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन एक्रिलाइल मॉइटी रिजल्ट इन द लिटिल और नो डायुरेटिक एक्टिविटी। अगर आप रिडक्शन करते हैं या इपॉक्सीडेशन करते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की जो कि एक्रिलाइल मॉइटी में प्रेजेंट है तो क्या होगा कि आपके पास जो एक्टिविटी है डायुरेटिक एक्टिविटी वो लॉस हो जाएगी और आपके पास कोई भी डायुरेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा अगर आप रिडक्शन करते हैं या इपॉक्सीडेशन करते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की, ठीक है। अच्छा जी, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ रैशनल अप्रोच टू ड्रग डिजाइन दैट इज इथाक्रिनिक एसिड। एक्चुअली मर्सिलिल एसिड से जो हमने इथाक्रिनिक एसिड की जो सर्चिंग की और पूरी जो इस सर्चिंग में इन्वॉल्व इस रिसर्च अप्रोच को आप रैशनल अप्रोच भी कह सकते हैं। रैशनल अप्रोच ऑफ ड्रग डिजाइन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आपने मर्सिलिल एसिड की बेस पे ही आपने इथाक्रिनिक एसिड बनाया है, उसी
कि जो स्ट्रक्चर फीचर्स थे कि फिनॉक्सी एसिडिक एसिड बेस ही होना चाहिए था क्लिनिक एसिड को, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए कि मर्करी नहीं प्रेजेंट होना चाहिए, क्योंकि वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, टॉक्सिसिटी। तो आपने सिर्फ जो स्ट्रक्चर फीचर्स हैं उनको देखते हुए एक स्ट्रक्चर ड्राइव किया है। तो रैशनल ड्रग डिजाइन अप्रोच का मतलब क्या है, जो कि टारगेट बेस्ड है। टारगेट बेस्ड का मतलब ये है कि आपने क्या किया कि आपने प्रोटीन के स्ट्रक्चर को देखते हुए आपने क्या किया कि अपना स्ट्रक्चर ड्राइव किया, ठीक है। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज रैशनल ड्रग डिजाइन। रैशनल ड्रग डिजाइन इज बेसिकली द टारगेट बेस्ड ड्रग डिजाइन अप्रोच। अच्छा जी, ऑनसेट ऑफ एक्शन है इसका 30 मिनट और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है इसका अराउंड 6 आवर। अच्छा, इसका एक और मेंबर है इंडाक्रिनोन, दैट इज ऑल्सो द डेरिवेटिव ऑफ फिनोक्सी एसिटिक एसिड, बट दैट इज इनकैपेबल टू रिएक्ट विद सल्फाइड्रिल कंटेनिंग न्यूक्लियोफाइल, जो कि एंजाइम है जो कि प्रेजेंट होता है नेफ्रोटिक ट्यूब्यूल में। तो इसलिए जो है इसको विड्रॉ कर लिया गया मार्केट से। और इसके अलावा इसमें एक और वजह थी इसको विड्रॉ करने की कि ये जो है ये एबनॉर्मल लिवर फंक्शन टेस्ट दे रहा था, जिसकी वजह से इसको विड्रॉ कर लिया गया मार्केट से, ठीक है। अगर आप एडवर्स इफेक्ट देखें लूप डायोटिक का, तो आपके पास जो फिरोसेमाइड और ब्यूमेटिनाइड हैं, दे आर ओटोटॉक्सिक ओटोटॉक्सिक, बट इथाक्रिनिक एसिड इज मोर ओटोटॉक्सिक, ठीक है। दे कॉज हाइपोकैलेमिक एल्केलोसिस। क्या है कि ये क्या करते हैं, ये आपकी बॉडी में जो है पोटाशियम के लेवल को रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो कंडीशन प्रोड्यूस होती है बॉडी में वो होती है एल्केलोसिस। अच्छा जी, इसके अलावा दे आर सिमिलर टू कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर। दे आर लाइक कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर, थायजाइड एंड थायजाइड लाइक डायुरेटिक, एज दे पजेस सल्फामोइल मॉइटी। क्या है कि लूप डायुरेटिक्स में भी सल्फामोइल ग्रुप प्रेजेंट है, लेकिन अगर आप देखें तो जो इथाक्रिनिक एसिड है उसमें सल्फामोइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। इसके अलावा जितने भी मेंबर्स हैं उसमें सल्फामोइल ग्रुप प्रेजेंट है। और टॉर्सेमाइड में हमारे पास क्या था, सल्फामोइल यूरिया था, और इथाक्रिनिक एसिड में आपके पास कोई भी सल्फामोइल ग्रुप नहीं है। बाकी जो है दे आर लाइक कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर, थायजाइड एंड थायजाइड लाइक डायोटिक, बिकॉज दे हैव सल्फामोइल ग्रुप। और जितने डायोटिक्स हैं जिनमें सल्फामोइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो दैट आर एसोसिएटेड विद हाइपर सेंसिटिविटी, फीवर एंड अर्टिकेरिया। जो सल्फामोइल मोइटी है उसके थ्रू जो साइड इफेक्ट प्रोड्यूस हो सकता है वो हाइपर सेंसिटिविटी, फीवर एंड अर्टिकेरिया। इसके अलावा दे आर दे कॉज हाइपोकैलेमिक अल्केलोसिस इन द बॉडी। दैट्स ऑल फॉर दी टूडेज लेक्चर। नेक्स्ट टाइम वी विल स्टार्ट विद द पोटेशियम स्पेयरिंग डायुरेटिक्स। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, अल्लाह हाफिज़।